कट कर लिए, देखो यहां से ये फाड़ दिया 2 सेंटीमीटर का, तो स्क्वायर है तो इसे मैंने यहां से ऐसे फाड़ दिया। देखो ध्यान से बहुत आराम से समझना, ठीक है, ये हटाया 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर गिरा दिया। अगला कॉर्नर आया, अगले कॉर्नर फिर गया मैं 2 सेंटीमीटर का, देखो यहां से मैंने कट किया और इस हिस्से को स्क्वायर बनाने के लिए इसे ये इधर से कट किया, एक स्क्वायर दूसरा ये गया। तीसरे कोने पर गया, तीसरे कोने पर यहां से 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर मैंने फाड़ दिया, ध्यान देना बोर्ड की तरफ समझ आएगा बिल्कुल पक्का, और इस तरफ से ये स्क्वायर बेटा मैंने फिर से फाड़ दिया, ठीक है। तीन कोने कट चुके, एक दो तीसरा एक बचा, चौथे कोने पर फिर पहुंचा, पहुंचने के बाद 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर यहां से लिया इसे और इसे हमने काट दिया, ठीक है। ये कहा गया क्वेश्चन की लैंग्वेज में। अब देखो ये ऐसी सीट बन गई, आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, कट फ्रॉम फोर कॉर्नर्स एंड बॉक्स इज मेड। तो बॉक्स कैसे बनेगा, देखो अब देखो ये जो साइड का हिस्सा है इसे मैंने यहां से उठाऊंगा, देखो ध्यान से कैसे, एक सेकंड में बस आप इस चीज को समझ पाओगे। इसे मैंने यहां से मोड़ लिया ऐसे, इसे मैंने यहां से मोड़ा ऐसे, बॉक्स बना रहे हूं इसका, ठीक है। इसमें पानी भर सकते हैं आप, अगर ये स्टील का बनाया हो आपने, अगर आप स्टील का नहीं ले रहे किसी दूसरी मेटल का लेते हैं या किसी दूसरी सीट का लेते, सीट चादर जो होती है वो कई तरीके की हो जाती है, जैसे टीन की भी होती है, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। देखो अब ये हम इसे उठा दे रहे, देखो अगर जैसे हम इसे उठाएंगे तो ये बॉक्स का फॉर्म ले लेगा, ले लिया बॉक्स का फॉर्म, देखो ध्यान से, तो इसमें हम कुछ भी भर सकते हैं, बॉक्स बन गया। अब देखो ध्यान से बात को सुनना, ये बॉक्स जो बना है इसमें देखो इसकी लेंथ कितनी कम हुई, इधर से लेंथ 2 सेंटीमीटर और इधर से 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 2 सेंटीमीटर इधर से 2 सेंटीमीटर इधर से, लेकिन इसमें मेन बात समझने क्या है, लेंथ में 2 सेंटीमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर कम हुआ, ब्रेथ में 4 सेंटीमीटर कम हुआ, इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट है इसकी, ये हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पूछ रहा है, इसका मतलब देखो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच, तो ध्यान दो लेंथ कितनी है 25, लेकिन 25 लेंथ तो थी साहब ये रेक्टेंगुलर शीट की, दो इधर का गया दो इधर का, तो सर 21 रह गया क्योंकि दो ये दो ये, तो इसका मतलब 21 लेंथ होगी। अब ब्रेथ देखो, ब्रेथ में से भी 4 कम होगा 16, और हाइट कितनी है 2, ये इसका आंसर बनेगा, बताओ बात समझ आ रही है, ठीक है। अब देखो 16 × 2 = 32, 21 × 32, तो मतलब यूनिट प्लेस पर 2 आना चाहिए, यूनिट प्लेस पर 2 है, सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा जिसके यूनिट प्लेस पर 2 है, तो 672 आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, बस समझ आए, और किसी के यूनिट प्लेस पर 2 नहीं है, डन।